बबली तू आ गई। अरे यार तेरा इंतजार कर कर के थक गया यार। तूने जो आज मुझे सरप्राइज दिया ना, फेशियल करवा के आई है, शर्मा क्यों रही है यार। वाह तेरे बदन की खुशबू, कौन सा डियो लगाया है। चलो शुरू हो जाते हैं यार बबली के, चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्यों मार क्यों रही है रे कमीने आदमी, क्या प्लानिंग कर रखी है तुमने उस लड़की के साथ? ये मनाने वाले थे इसलिए तुमने ये कॉन्डम निकाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का जो प्रैंक होने वाला है वो एकदम रिवेंज वाला होने वाला है और मजेदार और धमाकेदार। दोस्तों है क्या कि रंजना के पास उसकी बहन का फोन आया, तुरंत जल्दी जल्दी चली गई तैयार होके कि मैं तो जा रही हूँ मार्केट, और मतलब मैं ऑफिस से आया, चाय वगैरह भी नहीं बना के गई और बस चली गई। तो रिवेंज तो बनता ही है, इस बात का बदला भी। और एक प्रैंक उसने किया था, उसी तरीके का एक प्रैंक हम करने वाले हैं, शायद आपको याद नहीं होगा, देख लेना और मैं लगा दूंगा वो। तो फ्रेंड्स कहानी ये है कि रंजना आएगी और मैं इंतजार कर रहा हूँ बबली का, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का, और आ गई मेरी बीवी। समझ गया, ये होगा कैसे? आंखों पे पट्टी बांधकर जस्ट इमेजिन क्या रिएक्शन होंगे और मैं क्या एक्टिंग करूंगा, हम मुझ में कितने तप्पर पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करना, पसंद आए लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे अच्छे कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं वीडियो के एंड में, करते हैं रंजना का इंतजार। 2 hours later दोस्तों यहाँ पे हो रहा है रंजना का इंतजार। आ रही है, नीचे से आवाज आ रही है गेट वाला खोलने की। अब करते हैं रंजना आ जाएगी। 1 minute later बबली तू आ गई। अरे यार तेरा इंतजार कर कर के थक गया यार। तुमने जो आज मुझे सरप्राइज दिया ना, मैंने तुझे जैसे ही बताया कि बीवी बाहर मार्केट गई है और तू आ गई, मेरी तो खुशी के आंसू निकलने कहाँ यार, गले लगना यार। रुको जरा, सबर करो। कहाँ है, कहाँ गई यार? अरे यार वाह यार, थोड़ी सी पहले से थुल थुल मोटी नहीं हो गई? तू भी मोटी हो गई यार, सब अपना फिगर बिगाड़ लो है यार। चल कोई बात नहीं, तू वाह वाह फेशियल करवा के आई है क्या? चिकनी चिकनी गाल, क्या हो गया शर्मा रही है क्या? फेशियल करवा के आई है, शर्मा क्यों रही है यार? शर्मा मतलब वाह तेरे बदन की खुशबू, कौन सा डियो लगाया है। बैठ। मैं सोचा मैं आंखों पर पट्टी बांध के तेरा इंतजार करूंगा और तू जब आ जाएगी तो मैं तुझे जब देखूंगा एकदम से, जब से मैं तेरे से पहले अच्छे से सीने से लगा लूंगा। पता है मैंने इतनी तैयारी कर ली है, मैंने पता है जोमेटो से अच्छा सा खाना भी ऑर्डर कर दिया है। अभी ना हम अपना कार्यक्रम खत्म करके फिर अच्छे से खाना खाएंगे, ठीक है? पता ऊपर पता है मैंने तेरे लिए ना पसंदीदा रबड़ी भी बुक कर दी है, रबड़ी भी मंगाई है। और तू बता तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? शर्मा ये ना बड़े दिनों बाद मिली, वो भी मैं तुझे घर पर बुला लिया बेडरूम वेरी नाइस, समझदार, यू आर वेरी क्लेवर। चल ठीक है, और तू बता अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था मैं। चल चलो शुरू हो जाते हैं यार बबली, चलो शुरू हो जाते हैं यार बबली। एहे, रहा नहीं जाता। चल यार बबली, अब तू मुझे गिराएगी क्या यार? खाए सोफा खाए बबली, अब ना आंखों की पट्टी ना तू ही खोलेगी, ठीक है? मेरी आंखों की पट्टी अभी तू ही खोलेगी बबली, जब मैं बेड पर गिर जाऊंगा, ठीक है? चल कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्यों मार क्यों रही है रे?
कमीने आदमी, क्या प्लानिंग कर रखी है तुमने उस लड़की के साथ? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। टपा टप टपा टप, क्या चल रहा है? मैं कहां से आई? मैं कहां से स्पीड पोस्ट से आई हूं मैं? हैं, क्यों, क्या चल रहा है? किस लड़की को बुलाया था तुमने घर में? बबली को? बबली आने वाली थी मेरे पीछे। क्या कर्मकांड होने वाला था इस घर में? क्या कुछ नहीं, मैंने उसे बुलाया था कि चल आ जाइए, होली की साफ सफाई करवाने के लिए बुलाया था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं कि होली की साफ सफाई करवा दे, मेरी बीवी की हेल्प करनी। सुहागरात होने वाली थी ना यहाँ पे, कार्यक्रम कार्यक्रम चलने वाला था ना यहाँ पे। क्या जोमेटो से खाना मंगवाया है, पहले कार्यक्रम खत्म कर ले। कार्यक्रम का मतलब साफ सफाई खत्म कर ले, फिर थक जाएंगे तो खाना भी तो खाएंगे, इसलिए खाने जोमेटो ऑर्डर कर दिया। पागल समझ रखा है तुमने, मैं पागल दिखाई देती हूँ क्यों? क्या देखो, अभी अगर बबली आएगी तो तुम खुद उससे पूछ लेना बस। अच्छा बबली आई? हाँ बेटा, पहले तुम्हें तो निपटा लूँ, फिर उसको निपटाना है ना। तुम लोगों को ना इस उम्र में शर्म नहीं आ रही, ये घर बर्बाद करने पे लगे हुए, शर्म कर लो कमीने आदमी। जान से मार दूंगी, मेरे पीछे मैं घर से बाहर के गई थोड़ी देर के लिए, तुमने अपनी औकात दिखा दी। तुम सुंदर लग रही हो, फेशियल करवा के आई हो? कुछ पूछा मैंने? कुछ नया टच लग रहा है, ऐसा पड़ेगा ना अभी झोपड़। ठीक है, तुम्हारे मुंह पे भी फेशियल हो जाएगा, खूब अच्छा खासा। यार तुम्हें तो मेरी किसी बात का विश्वास होता ही नहीं है, अभी बबली आएगी तो खुद उससे पूछ लेना, ठीक है? अच्छा, जैसे वो तो बहुत सच बोलेगी, वो तो बहुत दूर से दुली हुई है, बहुत सही बोलेगी वो तो, है ना? क्यों, क्या चल रही है मेरे पीछे? ये क्या क्या सब तैयारी, क्या कार्य, कौन सा कार्यक्रम होने वाला था यहाँ पे? ओह गॉड, एक बार दिला दे भैया। कुछ नहीं चल रहा यार, कुछ प्रोग्राम नहीं चल रहा यार, तुम्हें साफ सफाई बता रहा हूँ। साफ सफाई तुम कह रही थी ना, साफ सफाई होने वाली थी, इतनी चिंता मेरे घर की? तुम साफ सफाई करोगे? तुमने बाहर से लड़की बुला लिया है घर की साफ सफाई के लिए? इतनी चिंता तुमको साफ सफाई की? कब से होने लगी टिल्लो? बाहर से क्यों बुलाई है? बबली तो है वो तो भाई जानता है। ये साफ सफाई होने वाली थी तो साफ सफाई कर रहा था, मैंने कवर साफ किया था, ड्रॉअर उसमें निकला था, मैंने इधर अलग से रख दिया, उसमें क्या है? ठीक है, कॉन्डम ही तो है। कॉन्डम, इट्स ओके। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? ये तुम किसी लड़की के साथ रख लिए, मना लिए, मनाने वाले थे इसलिए तुमने ये कॉन्डम निकाल दिया। मैं ड्रॉअर साफ किया था, फालतू पड़ा हुआ था तो मैं इधर रख दिया मैंने। कितना झूठ बोलोगे, लगाम लगा लो अपनी जबान पे, शर्म कर लो। पानी पी लूं, पत्ते से प्यास लग रही है। तब पानी क्यों, तुम्हें जहर पिलाती हूं ना मैं। थोड़ी देर के लिए बाहर कह गई, तुमने असली दिखा दी अपनी। पहली बात तो तुमने, तुम्हें फोन किया था, तुमने क्यों कहा था कि मुझे 4-5 घंटे लग जाएंगे? झूठ बोलती हो, झूठ बोल के धोखा देती हो। हाँ मैंने झूठ बोला। वाह, 4 घंटे बोला, जल्दी आ गई, धोखा देती हो। तो मैं धोखा दे रही हूँ? धोखा मैं दे रही हूँ कि तुम दे रहे हो धोखा? अरे मेरा मतलब, मेरा मतलब ये था, ऐसे 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 झूठ बोल के कौन आता? तुम कभी मसाज करने को बोला तब तो ऐसे मसाज करती नहीं है, अपना मतलब होगा तो इतना ऑन लेगी, मेरी कहेगी मेरे मसाज करने में हाथ में दर्द हो जाता, मुझ पे नहीं होती मसाज, है मानने के टाइम पे तो तेरे हाथ बहुत चल जाते हैं। सही पकड़े हैं। बहुत कूटूंगी तुम्हें, बहुत मारूंगी तुम्हें ना। देख शांति तरीके से बैठे, मैं कह रहा हूँ बबली आएगी अभी तो गुस्सा नहीं करना, उसके साथ में बैठ के जोमेटो का लंच फिनिश करना है, ठीक है? मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लड़ाई नहीं अरे करना। नहीं, मैं आरती की थाल लेती हूँ ना उसके लिए। मस्त प्लान। यार ये कौन सी बात है ना? आरती करूंगी, बुलाऊंगी उसको अपने घर में बिठाऊंगी, है क्यों? नहीं मैं, तुम पहले मार लो तुम मुझे, नहीं पहले तुम मार लो, खाना फाना तो बाद में खाएंगे, बबली को बात अब तो जान से मारने की थोड़ी ना बोलना। क्या चल रहा था ये मेरे पीछे? सर अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, देख तू तो होने दे, क्या करो
होने का इंतजार का मतलब ये है। देख मैं वो कह रहा हूं आज कुछ नया करते हैं, उसको आ जान दे, हम तीनों मिलके साथ में करेंगे। समझ रहे हो क्या करेंगे? सफाई भाई तूने क्या सोचा तीनों साथ में मिलके क्या करेंगे? मतलब टू पार्टनर विद अ मैन, एक झोप पड़ेगा कोने में जाकर गिरा, चुप बैठ जाओ। ये तो मैंने पिक्चरों में देखा है, थ्री सम। इतना होने के बाद भी मजाक समझ रहे थे। बहुत तो तुमने कर दिया है, फिर हम तुमको आनी चाहिए। क्या कर रहे हो उस घर में? मैं तो एक ही करा है, मैंने तो एक ही करा है। क्या बच्चा की बात हो रही है? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बबली को, बबली मतलब फोन आया था उसका, मैंने कहा बंद कर लो, बात मैं आ जाऊँ, मैंने मजाक में कह दिया उससे, आ तो रही है, साफ सफाई करवानी पड़ेगी, बता थोड़ी रंजा की हेल्प हो जाएगा। उसने कह दिया मेरा घर है, मैं तो कभी भी आ जाऊंगी साफ सफाई। बहुत कुट जाओगे, सब पता पड़ गई तुम्हारी कौन सी सफाई होने वाली थी। ठीक है तो अब पता चल गई, तो फिर अब पता चल चला हूं। रास्ते में मिल जाएगी तो फिर मुकाला करा उसके साथ। भाई आगे निकलो मेरे घर से, ये गंदे फैलाने वाले लोग यहाँ नहीं रह सकते। जब पता चल गई तो फिर आ जान देना, तू चली जा 5 मिनट के लिए कहीं और, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए चली जा। 5 मिनट के लिए जाएगी तो किस कर लूंगा, 10 मिनट के लिए आएगी तो किस और कर लूंगा, आधे घंटे के लिए आएगी। इतनी जोर की पड़ेगी ना घुमा के, बहुत देखी है ऐसी चप्पल, ठीक है बहुत पर सॉरी बहुत देखी ऐसी चप्पल है, ठीक है पड़ी रहती मंदिरों में। हाँ बेशरम आदमी जब अपनी शर्म भूल जाए ना तो उसको किसी चीज का किसी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एकदम बेशरम निहायत बेशरम आदमी। ये चला देती ना बेशरम, ये फलन ठिकान कभी पकड़ा है, कभी करते हुए देखा है किसी के संग, कभी पब्लिक के संग देखा है, कभी किसी के संग पकड़ा है। ये क्यों निकाल गया? क्या ये जानबूझ के प्रैंक करने के लिए रखा है? बता देता हूँ असलियत अब। क्यों हिला डाला ना? हाँ नहीं तो जब देखो कोई बात हो जाए तो तुरंत अपनी वो रामायण शुरू कर देती हो। मैंने ऐसा बदतमीज आदमी बेशरम आदमी नहीं देखा मैंने। क्या है जी, क्या है जी, वीडियो चल रही है, सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ, लोग क्या समझेंगे? कुर्सी नहीं था। अरे तो मार रही है, तो ऐसे तो मार रही है यहाँ करके पब्लिक हंसती है, हंसेगी वैसी। और ले जे भी जे, ये देख ये देख लो, ये देख खाली डब्बा है, दे देख तुमने कभी यूज? मैंने कभी यूज कर लिया मैंने अच्छी कही ऐसे बकवास प्रैंक मत करो, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, खामखा बंदे को मतलब इतना पटने का शौक पड़ा है, इस तरह का क्यों प्रैंक करते हो भाई? क्यों ढूंढते हो इस तरह का कंटेंट? आप तू भाई बोलती रहे तो दुनिया की औरतों को नहीं बुलाऊंगा मैं। है ना फ्रेंड्स, सही बात है। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करें। डर गई।